अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसा फ़ारूक है। आज मैं मौजूद हूँ अपने किचन में। आज मैं बना रही हूँ अफ्तारी के लिए चिकन पकोड़ा, जो बहुत मज़े का बनता है, चटपटे पकोड़ा है। आज मैं बनाऊँगी चिकन पकोड़ा अपने स्टाइल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चिकन पकोड़े बनाना। चिकन पकोड़े बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो 1 किलो चिकन टिक्के की शेप में कटा हुआ, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून सब्ज मिर्च चॉप की हुई, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, 1 लीमू का रस, 1 बोल बेसन का, 1 बोल कॉर्नफ्लोर पाउडर, 2 अंडे डालने आपने, 1 टेबलस्पून ऑयल का डालना है आपने। ऑयल हमने इसलिए डाला है कि चिकन के साथ मसाला लग जाए। 1 बोल सब्ज धनिया, 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर फ्राई करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्राई करना चिकन पकौड़े। बिस्मिल्लाह। चिकन पकोड़े तैयार हो गए हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप भी जाएं जल्दी से घर वालों को पकोड़े बना के खिलाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ।